महाराष्ट्र जोरदार हलानी लाउडस्पीकर लड़े गोटे पटे मस्जिद्रु लाउडस्पीकर बाहर करने एमएनएस मुख्य राज ठाकरे दे सारी अल्टीमेटम एपटे बीजेपी मध्य प्रसंग नहीं सरकार को घेरबार लगी विशेषकर जो भाई भाव में प्रसंग नहीं शिवसेना और एमएनएस मुहांमुही होती लाउडस्पीकर विवाद को आहुरी जोरदार करी बीजेपी सरकार को जोरदार आटाक करुछी बदर समाधान पर महाराष्ट्र सरकार आज एक सर्वदलीय बैठक डाकि गुरुत्वपूर्ण बैठक में समस्त राजनैतिक दल को डक जाता तेज एमिल होना बीजेपी और एमएनएस अंपटे बैठक पर सरकार पक्षर् कहुए जे भी बद आड़ आईन को निज हाथ को निए ता विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करपटे मिले सूचना अनुसार राज ठाकरे निज दलीय कर्मकर्ता कहते जे से मे तीन तारिख पर्यंत अपेक्षा करूँ जदि लाउडस्पीकर न बाहर कराए तो मस्जिद आगरे जोर रे हनुमान चालीसा पाठ करा जीवो अन्यपटे सर्वदलीय बैठक में जोग नदेबा प्रसंग में महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस कहते आमर बैठक में सामिल होगा निमंत्रण मिली तेरे गत किछि दिन हेबो जो घटना सब होतीपाई आम ए भाग न नेबापी निष्पत्ति नेलु से भली फडणवीस कहते जदि बैठक में खोद मुख्यमंत्री उपस्थित रहिबे नाही ताहेले ए बैठक लाभ कौन जो भाई भाव में लाउडस्पीकर विवाद घनईबारे लगी आगक एने महाराष्ट्र सरकार कौन पदक्षेप ने उपरे नजर रही लाउडस्पीकर सन्दर्भ की तुम्हें जर अमुक तारखेपर्यंत बोंदू उतरले मग आम उतरू कि हनुमान चालीसा मनू वगैरह वगैरह अयद्या सरकार ने भोंगे लावण कि उतरवण हमें कोणती तरतूद नहीं सरकार निर्णय घेऊ शकत नहीं ज्यांनी भोंगे लावले जे वापर करता है त्यांनीच त्या ठिकाणी त्याची काय काळजी घ्यायची या महाराष्ट्रामध्ये हनुमान चालीसा म्हणण्यावर जर सिडिशन होत असेल संपर्क अधिक सूचना पाई सहित जाड़ वासीम अंसारी मुंबई प्रतिनिधि वासीम जानकारी क्या है आपके पास और किस तरफ जा रहा है ये बयानबाजी देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र की जो सियासत है वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ अपोजिशन से लगातार मनसे के राज ठाकरे ने जिस तरह से एक पूरी मुहिम छेड़ी इसके बाद लगातार उन्होंने जो चेतावनी दी उस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आई और उन्होंने बाकायदा कई बैठकों का दौर किया और उसी कड़ी में आज उन्होंने सभी पार्टी के ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के अंदर इस बात को लेकर चर्चा करनी थी कि लाउडस्पीकर जैसे मामले पे किस तरह की सभी पार्टियों की भूमिका है क्योंकि कुछ दिन पहले ही गृह विभाग ने होम मिनिस्ट्री ने इस पूरे मामले की जांच की थी और सभी अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली थी कि किन जिलों में किस किस तरह की परिस्थिति उसका पूरा आकलन किया था और आज ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टियों के साथ इस तरह की डिस्कशन करना चाहते थे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे इस बैठक में नहीं पहुंचे लेकिन उनकी तरफ से उनके जो तीन प्रतिनिधि थे वो इस बैठक में पहुंचे थे उन्होंने अपनी भूमिका रखी लेकिन सबसे अहम बात जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में और जिस तरह से अपोजिशन लीडर खुद देवेंद्र फडणवीस है विरोधी पार्टी के नेता हैं तो खुद सीएम रह चुके हैं और वो अचानक इस बैठक से बायकॉट कर देते हैं और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो सरकार की भूमिका है उसे लेकर एतराज जताते हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि पिछले दो से तीन दिनों के बीच में जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं उन हमलों को लेकर उनकी नाराजगी साफ तौर पर झलक रही थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो चर्चा का विषय था वो बंद हो चुका है जब तक क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं पे अक्सर शिवसेना सत्ता पक्ष के ऊपर इल्जाम लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि सीएम कार्यालय की वजह से यहाँ पे उनके आदेश पे इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसे लेकर उन्होंने अपनी पूरी भूमिका साफ की। जी वसीम इधर नाराजगी जता रहे हैं फडणवीस सीएम आज नहीं रहे इसलिए फिर बातचीत किस प्लेटफॉर्म में होगा कहाँ होगा किस तरीके से होगा? देखिए जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर मीडिया के सामने जताया और ये बताया कि वो चाहते थे कि डिस्कशन करें लेकिन पिछले चार दिनों से जिस तरह से माहौल बना है उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल है। अब इसका हल अगर निकालना है तो दोनों ही तरफ की पार्टी को नेताओं को नरम रुख अपनाना होगा लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। एक तरफ बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार का आंदोलन किया जा रहा है कि सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके नेता खोल खोल आंदोलन कर रहे हैं पूरे राज्य भर में तो वहीं पर सरकार की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है कि
जो भी इस कानून को तोड़ता है, कानून के दायरे में नहीं आता है, उसे कार्रवाई की जाएगी। रवि राणा जो एक एमएलए भी हैं और उनकी जो पत्नी नवनीत राणा अमरावती से सांसद है, और जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी लाउडस्पीकर को लेकर, और साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद जो सीएम के घर के सामने की थी, उसका कहीं ना कहीं उन्हें खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और अब वो जो पुलिस की जेल कस्टडी में है, आज उनके खिलाफ जो कई मामले दर्ज किए गए थे, राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, उसे लेकर कोर्ट में हियरिंग भी शुरू है। तो ऐसे कई उदाहरण है, क्रेट सुमैया जो बीजेपी के नेता है उस पर शिवसैनिकों का हमला हुआ, मोहित कंबोज जो थे उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, तो दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप और साथ ही एक्शन मोड दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में सबसे डेंजर माहौल साफ कर रहा है। ये मुद्दा एमएनएस का था। देखिए, ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने जिस तरह से अपनी सभाओं में इस बात का जिक्र किया था कि वो अपनी जो लाउडस्पीकर की भूमिका है जब तक वो हटती नहीं है, चाहे मंदिर मस्जिद जो भी है जहां से, मगर वो हटता नहीं है जब तक अपनी भूमिका रखेंगे। लेकिन अब बीजेपी के नेता जो मोहित कंबोज है, उन्होंने इस बारे में पहले भी शिकायत पुलिस विभाग में दर्ज कराई थी। बीजेपी के बड़े नेता मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी, उन्होंने इसे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन आक्रमक भूमिका जो कि वो मनसे की थी, साफ तौर पे अपनी रैली में उन्होंने कहा था, चेतावनी दी थी। अब जैसे उन्होंने ये भी कहा है, अगर इसे अल्टीमेटम दिया है, अगर 3 मई तक का इस पूरे मामले में मामला हटाया नहीं जाता, लाउडस्पीकर हटाया नहीं जाता है, तो वो अपनी पूरे राज्यभर में इसका आंदोलन करेंगे। एक तरफ हिंदुओं को उन्होंने एकजुट करने की बात कही है, और साफ तौर पे ये बताने की कोशिश की है कि वो हिंदू पार्टी के तौर पे उतरना चाहते हैं, और महाआरती का आयोजन भी 3 तारीख को किया गया। तो मनसे भी पूरी तरीके से इस पूरे मामले में आक्रामक नजर आ रही है। ये गर्मा गर्मी माहौल में सिक्योरिटी को किस तरह से देख रहे हैं आप? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुंबई पुलिस काफी अलर्ट है। जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, और सरकार की तरफ से भी कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन जिस तरह से एक पूरा माहौल है कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का एक पूरी रणनीति है मुंबई पुलिस की, वो बदलती हुई नजर आ रही है। इस तरह का माहौल साफ तौर पर दिखा, सिक्योरिटीज के नाम पे जो कानून व्यवस्था बनाए रखना गृह विभाग का काम है, और वो पूरी तरीके से अलर्ट है। दिल्ली बोल से पार्टी जो होम मिनिस्ट्री उनके पास है, बाकायदा राज्य के जो दूसरे जिले हैं उन जिलों में वो अपनी नजर बनाए हुए हैं, और साथ ही सभी विभाग के अधिकारियों को उन्होंने अलर्ट रखा है। लेकिन मुंबई हो या मुंबई के आसपास कई तरह की घटनाएं साफ तौर पर होती हुई नजर आई, कई मामले दर्ज किए गए, खास करके सोशल मीडिया पे मुंबई पुलिस की सबसे आगे जाके क्या हालत बन रहा है वो भी देखने वाला चीज है। बहुत शुक्रिया वसीम आपकी जानकारी के लिए। वापराच्या संदर्भात की तुम्ही जरा